चंद दिन पहले मेरे साथ क्या हुआ जानना चाहेंगे आप, सो लेट्स गो। जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था ना, तो फैसला किया था कि फेवरेट नंबर पर एक वीडियो बनाऊंगा अपने व्यूवर्स के लिए। वक्त गुजरता गया। जब मेरे 1100 सब्सक्राइबर्स हुए तो सोचा वक्त करीब है, तैयारी शुरू करनी चाहिए। मैंने स्टोरी ली, दोस्तों से कांटेक्ट किया, बहुत मेहनत की, तैयारी शुरू कर दी, सबसे वीडियोस मंगवाई, रिकॉर्डिंग हुई, शूटिंग हुई, एडिटिंग हुई, अपलोड कर दिया। अब व्यूज मिलना शुरू हुए, सब वीडियो को देख रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन उनके अंदर एक ऐसा व्यूअर था कि जिसने शुरू से लेके आज तक मेरा हाथ थामे रखा। मुझे वो सब दिया जो मेरी ख्वाहिश थी, लेकिन मैं उसे भूला हुआ था, बिल्कुल जहन में भी नहीं था कि ऐसा भी होगा। फिर उसका मुझे पैगाम आया और उस पैगाम ने मुझे आज ये वीडियो बनाने पर मजबूर किया है। मैं तो बिल्कुल भूल चुका था, लेकिन सही था जो भूल चुका था। सबके साथ उसका भी नाम ले लेता तो सब में फर्क क्या रह जाता, सबके साथ मिक्स हो जाता, सबके दिलो दिमाग में एक ही तरह की अहमियत पैदा हो जाती। गलती तो हुई, लेकिन उस गलती ने मुझे फायदा दिया कि आज की ये पूरी वीडियो उसी एक ही हस्ती के बारे में है, उस एक ही शख्सियत के बारे में है। उसने हर पल मेरे लिए दुआएं की, सुबह तहज्जुद में उठकर, रात को सोते हुए, हर वक्त मेरे लिए दुआएं की। और मेरी खुशी वो हस्ती देखना चाहती थी, और उसने अपनी खुशियों को मेरी खुशियों पे कुर्बान कर दिया। सच तो ये है कि यही वो हस्ती है जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। वो कोई और नहीं, वो मेरी मामा है। लव यू मामा। आप ही हर वक्त मेरे साथ थी, मेरे हर दुख में, हर दर्द में, हर रंजो गम में। थैंक यू मामा। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे, आबाद रखे। आमीन।